फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संगीता, स्वागत है आपका संगीता किचन क्राफ्ट में। आज मैं बनाने जा रही हूँ पेशावर हलवा। तो चलिए देखते हैं। पेशावर हलवा बनाने के लिए हमें सामग्री चाहिए: 1 कप सूजी, 1 कप दूध, 1 कप चीनी, 4 चम्मच रिफाइंड या घी आप ले सकते हैं, आप अपने अनुसार ले सकते हैं घी या रिफाइंड, और थोड़ी सी काजू किशमिश। इसे बनाने के लिए सबसे पहले सूजी को दूध में 1 घंटे के लिए फूलने के लिए छोड़ देंगे। देखिए फ्रेंड्स, सूजी को दूध में मैंने फूलने 1 घंटे पहले दिया था, जो अच्छी तरह फूल चुका है। वो इस तरह से इसका ये तैयार हो गया है। अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई मैंने गर्म करने के लिए चढ़ा रखा है। अब हम इसमें 4 चम्मच रिफाइंड या घी डाल देंगे। कढ़ाई गरम हो चुका है। अब हम इसमें 1 गिलास चीनी डाल देंगे और इसे धीमी आंच में तब तक चलाना है जब तक कि ये पूरी तरह से ब्राउन ना हो जाए और ये पूरी चीनी जो है ये घी में मेल्ट ना हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, ये पूरी तरह से इसमें मिल चुका है और इसका कलर भी पूरा रेड हो चुका है। अब हम इसमें दूध में जो सूजी फूलने डाले थे उसको डाल देंगे। अब एकदम धीमी आंच में धीरे धीरे इसको चलाते रहना है। तब तक चलाते रहेंगे जब तक ये पूरी तरह से पक ना जाए और इसमें मेल्ट ना हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, हमारा पेशावर हलवा बन गया है। अब हम इसमें थोड़ी सी किशमिश डाल देंगे। सबसे बड़ी बात है कि अगर हम चीनी को अच्छी तरह से जब मेल्ट कर रहे होते हैं तो धीमी आंच में करना है। अगर धीमी आंच में नहीं करेंगे तो चीनी जो है वो जलने लगेगा, फिर जला हुआ का सेंट आ जाएगा। इसलिए कम आंच में, धीमी आंच में धीरे धीरे बनाना है और इसे हलवे को भी धीमी आंच में ही बनाना है, तेज आंच नहीं करना है। देखिए अच्छी तरह से हो गया है, पेशावर हलवा बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसे अच्छी तरह से सर्व करने के लिए प्लेट में सजाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा पेशावर हलवा बनकर तैयार है। ये बहुत ही जल्दी बनता है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। अगर आपको हमारे ये रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ना भूले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।